पर जब मैंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ी क्रूरता की बात छेड़ी तब लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नास्तिक हैं, इसलिए आपको नजर नहीं आता कि दूध कितना हमारे लिए सात्विक है, पवित्र है? शुं तमे हमारो धर्म भ्रष्ट करवा दिया छो? भगवान को तो दूध पसंद है ना। हम तो सिर्फ गौशाला का ही दूध पीते हैं। किसाना की जिंदगी ना बर्बाद करने वाली बात है। व्हाट अबाउट माय कैल्शियम? व्हाट अबाउट माय प्रोटीन? व्हाट अबाउट आइसक्रीम? डेयरी वाले आके आपके क्यों धमका? आर यू कम्युनिस्ट? आर यू संगी? वो इतना गंदा जगह पे रखा है कि गाय को मारना इलीगल है, लेकिन गाय का मांस इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आप कह रहे हैं कि भारत बीफ के निर्यात में शायद चौथे नंबर पे नहीं, शायद पहले नंबर पे होगा? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर हर्षा आत्मकुरी। डॉक्टर हर्षा आत्मकुरी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है जिसका नाम है माँ का दूध। खासियत यह है कि ये इंडिया का सबसे पहला वीगन डॉक्यूमेंट्री है और हर्षा साहब ने उसमें डायरेक्शन किया है, स्टोरी लिखा है, स्क्रीन प्ले और कुछ किया आपने? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस भी साहब ने ही किया है। सो मुझे आपसे ये जानना है कि बहुत सारे वीगन डॉक्यूमेंट्रीज ऑलरेडी हैं, आपने अलग से क्यों बनाया? द रीज़न आई मेड दिस फिल्म इज मेनली जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप ये मूवीज देखिए, एक आपको समझ में आएगा कि जानवरों को कितना नुकसान हो रहा है। एवरीवन सेज लाइक हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है, ये तो बाहर देश का फुटेज है, हमारे देश में नहीं है। सो दिस आर द कॉमन रिस्पॉन्सेज, वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट एवरीवन सेज इट। सो आई थॉट लाइक मे बी आई शुड वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट वेयर इट शोज व्हाट इज़ द रियलिटी इन इंडिया। सो दैट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट। एंड ऑल्सो दैट टॉपिक आई चोज अबाउट इज डेयरी बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ ईजी टू कन्विंस ए नॉन वेजिटेरियन अबाउट एनिमल क्रुएल्टी दैन ए वेजिटेरियन, मेनली बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा है कि बचपन से हमको बोलते हैं कि गाय हमारा माता है, लेकिन दूध में कोई हिंसा नहीं होता है, एक्स वाई जेड। सो देर इज अ लॉट ऑफ दिस कल्चरल कल्चरल पोजिशन दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी दैट गाय को हम हानि नहीं पहुँचते हैं। सो आई थॉट लाइक ओके पीपल से दैट यू नो लाइक हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं करते, ये तो कमर्शियल दूध वाले करते हैं, हम नहीं करते। सो दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस पीपल गिव एंड इवन रिलीजियस लाइक भगवान को दूध पसंद है ना, तो आई थॉट ठीक है लाइक लेट मी हियर देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, लेट मी बी वेरी अनबायस्ड एंड एक्सप्लोर व्हाट इज़ द सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ मी मेकिंग दिस फिल्म। सो आपने ये फिल्म खासकर इसलिए बनाया क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। Yeah. खासकर हमारे गांव में हम अपनी गायों का बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसी क्रूरता हम नहीं करते, कोई और करता। बिल्कुल। सो आप लोगों को बताना चाहते थे कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें। हाँ, मतलब नॉट जस्ट टेलिंग देम बट ऑल्सो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है वो सच में हो रहा है या नहीं। oh. वो मुझे भी देखना है, तो दैट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड, लाइक इट इज़ माई जर्नी ऑल्सो। सो सिर्फ दिखाना ही नहीं, आप सीखने भी गए थे कि क्या ये सच में हकीकत है क्या। मुझे आपकी एक बात बहुत ही अजीब और हास्यास्पद लगी, जहां आपने बताया कि जो नॉनवेज है उसको समझाना और क्रूरता दिखाना आसान है, पर एक वेजिटेरियन को ये बताना कि देखो जो आप कर रहे हो उसमें क्रूरता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूध सफेद दिखता है ना, तो उसमें क्रूरता नहीं दिखता, लाइक देयर इज नो ब्लड इन इट। एंड स्लॉटर हाउस तो बाहर दिखता है, लाइक यू कैन सी चिकन एंड गोट स्लॉटेड, सो देयर इज दिस गैप। तो कहीं पे आप कहते हैं कि ये जो नॉनवेज वाला है वो कहीं पे मानता है कि मैं जीवों को मार रहा हूँ और शायद इसमें क्रूरता है, पर वेजिटेरियन ये मानने से इनकार करता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्रूरता हो भी सकता है। सो आपने भगवान की बात की कि भगवान को दूध पसंद है या नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नास्तिक हैं, आपके घर में ये सब मानते नहीं हैं, इसलिए आपको नज़र नहीं आता कि दूध कितना हमारे लिए सात्विक है, पवित्र है? तो मैं तो बिल्कुल नास्तिक तो नहीं हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। अच्छा। आई यूज़ टू गो टू कृष्णा टेम्पल एवरी डे, दिस वॉज बैक इन 2015-16।
तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो दूध मंदिर में मिलता है, जो प्रसाद में होता है या बेचता है, वो कहता है कि इस दूध गौशाला से आता है जहाँ पे गाय को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। बट वन डे आई सॉ दैट बिहाइंड द टेम्पल गेट, द गेट ओपन एंड ए ह्यूज ट्रक एंटर्ड इन। वो ट्रक के अंदर सारा कमर्शियल दूध है। एग्जैक्टली जो लोग ये बोलते हैं कि हम ये यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें क्रूरता है, वो लोग वही दूध यूज़ कर रहे हैं। बाजार का खरीदा हुआ दूध आया। हाँ, तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर टू दैट, दे स्टार्टेड मॉकिंग मी, दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी। वो उसका ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम भगवान का भक्ति करो सिर्फ। हाँ, मंदिर आओ, भगवद गीता पढ़ो और जाओ, ऐसा बोल रहे हैं मुझे। आई फेल्ट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जो लोग सच में भगवद गीता पढ़ता है, आई थिंक दे शुड नॉट कीप क्वाइट। एटलीस्ट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अब क्या करें, यानी भक्त जनों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि गौशाला से वो सप्लाई डिमांड पूरा नहीं होता, तो इसलिए शायद बाहर से मंगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है, लाइक गौशाला से कुछ नहीं आता है। बिकॉज गौशाला में ये बोलता है कि हम बछड़े को पहला दूध देते हैं, जितना वो पीने के बाद हम निकालते हैं, लेकिन सच में गौशाला में भी ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद देखा, मैंने, और ये आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में पकड़ा है। हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया और एक्चुअली शूट भी किया, लेकिन उन लोग जो लोग ये सब करते हैं ना, उनको ये लाइक दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। लाइक वो इतना असंवेदनशील हो चुके हैं कि उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि माँ को बछड़े से दूर कर देना, बच्चे को माँ के दूध से वंचित रखना गलत है। सो जब आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे डॉक्टर, अच्छा वैसे ये आप डॉक्टर काहे के हैं, जानवर के डॉक्टर हैं या नहीं, कि कुछ फिलॉसफी? मैं इंसान का डॉक्टर हूँ, आई स्टडीड MBBS, यू कैन कॉल मी जनरल फिजिशियन। आप MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर yes. तो एक फुल फ्लेज MBBS डॉक्टर होते हुए जहाँ आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, करियर बना सकते थे, यहाँ ये काम में कैसे? तो पहला मैंने बहुत लोगों के पास पहुंचा कि ये क्रूरता हो रहा है, आप इनके बारे में ज़रा बात कीजिए, लाइक सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, लाइक ऑल दिस। लेकिन वो लोग कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। बट फॉर मी इट्स लाइक आई कांट, उनका पेन देख के मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। एंड एट वन डे आई फेल्ट लाइक आई कैन बेनिफिट द सोसाइटी थ्रू हेल्पिंग एनिमल्स देन बीइंग ए डॉक्टर। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। So, बातों बातों में साहब ने बताया कि ये हिंदुस्तान में कम से कम 50 से भी ज्यादा क्षेत्रों में घूमे हैं, कुछ 20,000 किलोमीटर घूमे हैं। इतना भ्रमण किया इन्होंने हर जगह पे हकीकत तथ्य को जानने के लिए, और वो सब इन्होंने अपने कैमरा में पकड़ा। तो ये सुन के मुझे ऐसे लगा कि जब ये अलग अलग स्थानों पर आप गए, तो क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ जहां आप डर गए हो, आपको डराया गया हो, या ऐसी कोई बात जिससे आप हिल गए? एक दो जगह पे हुआ ऐसा। फॉर एग्जांपल बेंगलोर में जब हम शूट कर रहे डेयरी फार्म को, वो लोग आके धमकी दे रहे हैं, तो हमने इमिडिएटली बंद करके हम निकला वहाँ से। एंड और एक है कोल्हापुर के पास, एक ट्रक आया हाईवे पे, एंड वहाँ पे बहुत सारे भैंसों को अंदर घुस रहा है। एंड सो वी स्टॉप्ड आवर कार एंड वी वेंट एंड वी एनक्वायर्ड एंड ऑल। तो वो लोग वो भैंसों को कत्ल करने को बेच रहे हैं, दे आर वहाँ से डेयरी फार्म से कलेक्ट किया और बेचने का ट्रांसपोर्ट के लिए, लाइक दे आर पुटिंग द बफेलोज इनसाइड। सो वी गॉट लिटिल स्केर्ड टॉकिंग टू देम दैट दे माइट अटैक अस, सो वी हैव टू लीव इमीडिएटली। ऐसा दो तीन इंसिडेंट्स है। बट तो मैं समझा नहीं, बैंगलोर में डेयरी वाले आके आपके क्यों धमका? इतना गंदा जगह पर रखा है कि लाइक किसको गंदे जगह पर रखा? गाय को ऑब्वियसली। सो एंड जो कैन वो कैरी करे जो दूध कलेक्ट करने के लिए, वो भी कितना इतना गंदा जगह है। एंड इट्स ऑन द हाईवे ऑल्सो, बाजू में ड्रेनेज है, प्लास्टिक गटर है बाजू में। हाँ, एंड ऑल्सो वो ही इमिडिएटली केम एंड ही सेड स्टॉप रिकॉर्डिंग, सो वी इमिडिएटली लेफ्ट। सो वो डर गया कि कहीं आपके ने उसकी गंदगी को शूट कर लिया तो तकलीफ हो सकता है उसको और उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, शायद वो हो सकता है। और पर ऐसे गंदे जगह में बस वो
अकेला ही कुछ एक आध ही होगा, या आपका कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसा गंदे क्योंकि मैं गायों को पालते हैं और दूध बनाते हैं? बहुत जगह पे इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस, इवन अभी मुंबई में जाके देख सकते हैं कि जैसे कि आर्य कॉलोनी में बहुत सारे जगह पे इतना गंदे जगह पे रखते हैं, लाइक यू कांट इमेजिन। सो ये डेयरी के खिलाफ जो लोग ये बातें करते हैं, ये जो वीडियो बनाते हैं, ये वो वीगन लोग हैं। सो आप भी वीगन हो इसलिए बनाया, या आपको सच्चाई जाननी थी इसलिए बनाया, तो या आपको ऐसे लगा कि वीगन जो एक नया फैशन है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, चलो मैं भी इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, फेमस बन जाता हूँ? मैं तो पहले ही वीगन बना, लेकिन मैं वीगन बनने से पहले मुझे वो शब्द का मतलब भी जानता नहीं हूँ। कितने साल से वीगन है आप? मैं 6.5 साल से वीगन हूँ। लाइक आई ओनली केम टू नो अबाउट द वर्ड वीगन आफ्टर आई टर्न वीगन। जैसे एक दिन मैं ऑफिस गया एंड मेरा कोलीग ने एक दूध का मिठाई दिया, and when I refused, she asked me like why are you not eating? I said I am avoiding dairy products because usme bahut krurta hai, and she said are you vegan? Toh pehle bar maine suna ki ye vegan shabd kya hai, then I became vegan activist. But when I started talking to people said that hamare gaon mein aisa nahi hota hai, hum ek maa jaisa treat karte hain gai ko, apne ghar apne parivar ka sadasya. Yes, exactly. तो मैंने सोचा ठीक है, ये लोग शायद सच बोल रहे हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, तो लेट मी फाइंड आउट माई सेल्फ, क्योंकि वो खुद बोलता है आके देखो, हमारे गांव आके देखो। सो ठीक है, मैं वही करूँगा। तो मैं जाके देखा एंड इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वीगन थे इसलिए आप वही घर में गए जहाँ क्रूरता था, कि आपने एकदम अनबायस्ड पूरा देखा? ऐसा कुछ तो घर मिला होगा जहाँ लोग जानवरों को अच्छा रखते हैं, अपने परिवार जैसा रखते हैं, कोई तो मिला होगा। सच बोला तो लाइक ऑनेस्टली आई हैवंट सीन एनी, नॉट इवन वन होम, बट लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा जो लोग सोचता है कि हम अच्छा रख रहे हैं, लाइक दे आर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स रियली वेल। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जैसे मैंने बोला कि गाय को जहाँ पे रख रहा है, लाइक बछड़े को अलग कर रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता है कि बछड़े को माँ से अलग करना क्रूरता है। और कई घर में ऐसा गाय को रखता है लेकिन उसको गाय को रखने का जगह बहुत छोटा है, उनका घर बड़ा है बट गाय को रखने का जगह बहुत छोटा है, कि ऑल शी कैन डू इज इधर स्टैंड और सिट और कुछ नहीं कर सकते। नेचुरली गाय एक फ्री रोमिंग एनिमल है, गाय cow likes to roam, graze and come back home, like घूमते रहती है, चढ़ती रहती है जंगल में। हाँ, गाय ऐसा जीव है। buffalo also, like it's a water, we call it water buffalo, water buffalo, इसलिए वो कहावत भी है गई भैंस पानी में। हाँ, because buffalo love to live in water, like at least half of the time, kind of like maybe close to amphibians. So आपका कहना है कि आपके नजर से आपको सच में कोई नहीं दिखा जो मवेशियों का अच्छा ख्याल रखता हो? बिल्कुल, जैसे वो बोलते हैं, पर वो बोलते हैं क्योंकि उनके नजर में वो जो कर रहे हैं वो सही है, उनको अपनी क्रूरता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैंने देखा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे डेटास भी बताए, मुझे नहीं लगता ये डेटा सही होगा। आई मीन इतना ज्यादा क्या आपने ऑथेंटिक डेटा पकड़ा है, वो भी इंडिया का? सच बोला तो जो डेटा हम फिल्म में दिखाया वो सिर्फ गवर्नमेंट का डेटा है, जो गवर्नमेंट बोला वही डेटा है, बट रियलिटी देखा तो इससे ज़्यादा क्रूरता है, लाइक द नंबर्स आर मच बिगर देन व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडिंग अस। क्योंकि आई विल गिव वन एग्जांपल, जो बछड़े को भूखा मार दिया जाता है वो यूजुअली काउंट नहीं होता है। आपका कहना है कि भारतवर्ष में 30 करोड़ मवेशी हैं जिसमें से शायद 24-25 करोड़ मादा है, उनको हर साल गर्भवती करते हैं हम दूध के लिए, और उनके जितने भी नर बछड़े होते हैं सबको मार डाला जाता है। या आप गवर्नमेंट का डेटा से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाय में मादा 75% है और नर 25% है, बुल्स बेल, और बेस में देखा तो और बुरा है, लाइक ओनली 10% आर मेल एंड 90% फीमेल। तो नॉर्मली कोई भी गर्भवती है और बच्चा दे रहा है तो इसमें 50% मेल हो सकता है या 50% फीमेल हो सकता है। सो नॉर्मल पॉपुलेशन में 50%
फीमेल होना है, 50% मेल होना है, लेकिन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ये बहुत कम है, लाइक 10% बफेलोस, 25% बुल्स. सो ऑब्वियसली ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन है. ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन नहीं है आपका कहना है, क्योंकि रियलिटी इससे भी बुरी है. यस. सो सिमिलर सिनेरियो इन एक्सपोर्ट, क्योंकि जो मांस इंडिया में हो रहा है, खा रहे लोग, उसमें टैक्स नहीं है. बट व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग, लेदर इज टैक्स एट अराउंड 30-40%, वेर एज बीफ इज टैक्स एट 10%, नाउ इट इज़ आई थिंक 6%. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो टैक्स बचाने के लिए नंबर्स चेंज होता है. सो दिस इज़ द रियलिटी. सो आप कह रहे हैं कि भारत बीफ के निर्यात में शायद चौथे नंबर पे नहीं, शायद पहले नंबर पे होगा, क्योंकि हम टैक्स की चोरी के लिए ये नंबर्स भी मैनिपुलेट कर रहे हैं. बिल्कुल. ये जो एक्सपोर्ट होता है, ये मैंने सुना था, हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये सारा का सारा जो हो रहा है ये कारा बीफ है, बफलो का है. तो गाय का बीफ नहीं जाता, गाय का मांस नहीं जाता, तो ये तो सिर्फ बफलो का हुआ. वो एक्चुअली रियलिटी तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए है. एंड फॉर एग्जाम्पल इन ए सिटी लाइक दिल्ली NCR विद ए पॉपुलेशन ऑफ 3 crore ह्यूमंस एंड लॉट ऑफ डेयरी फार्म्स इन द आउटस्कर्ट्स एंड ऑल, टू मॉनिटर दिस एनिमल क्रुएल्टी और द डेयरी फार्म्स एंड ऑल, देर आर ओनली 2 inspectors फॉर सच ह्यूज रीजन. तो 2 inspectors इतने बड़े सिटी में क्या कर सकते हैं? पूरे दिल्ली शहर में ये जहाँ कट रहा है वहाँ पे ये देखने के लिए ये कारा बीफ है सही है गलत है, सिर्फ 2 inspector है. हाँ. सो आपका कहना है कि शायद राम भरोसे ही ये पता ही नहीं क्या हो रहा है. एवरीथिंग ऑन पेपर, जो पेपर में है वही बोलते हैं, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है. आपने ये भी बताया कि हमारा जो पड़ोसी है नेपाल, जो कि एक हिंदू राष्ट्र है, वहां पे भी जब लोगों को बीफ चाहिए, बीफ गाय का मांस, वो इंडिया से मंगाते हैं. सो नेपाल में ऐसा है कि नेपाल इज ए हिंदू मेजोरिटी कंट्री. हाँ. बट मेजोरिटी ऑफ देम आर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस. एंड वहाँ पे ऐसा है कि दे डोंट कॉल बफेलो बीफ एज बीफ और कारा बीफ, दे कॉल इट एज बफ. बफ. सो नेपाल इज ए माउंटेनियस रीजन, वहाँ पे बेस कहाँ मिलता है, लाइक इट्स वेरी रेयर. तो जो भी बीफ वो लोग खा रहे हैं वो सारा बफेलो बीफ इंडिया से ही जा रहा है. हाँ. लाइक एस्पेशली फ्रॉम बिहार एंड दोज रीजन्स, बॉर्डर रीजन्स. दूसरी बात, नेपाल में गाय इज ए नेशनल एनिमल, कव इज ए नेशनल एनिमल इन नेपाल, बट यू विल फाइंड कव बीफ ऑल्सो. तो वन आई एंक्वायर्ड लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज नेपाल में गाय को मारना इलीगल है. दे सेड इम्पोर्ट इज लीगल. ये तो बहुत अजीब बात है, गाय को मारना इलीगल है लेकिन गाय का मांस इम्पोर्ट कर सकते हैं. ये कितना अजीब सिचुएशन है. लेकिन वो कहाँ से इम्पोर्ट करता है? इंडिया से आता है. मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट से पूछा, वो बोल रहा है कि हमारा बीफ जो भी है वो 100% इंडिया से ही आता है. सो एंड कौ का बीफ और बफेलो का बीफ थोड़ा टेस्ट डिफरेंस है, सो दे नो इट्स 100% कौ बीफ ओनली बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड टेक्सचर. और ऐसे कुछ बाली में भी हो रहा है आपने कहा. हाँ, इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है एंड उसमें सिर्फ बाली एक रीजन है सिटी, इट इज़ ए हिंदू मेजोरिटी सिटी. वहाँ पे बहुत लोग इंडिया से बीफ इंपोर्ट करते हैं. सो व्हेन वी एंक्वायर्ड द बीफ ट्रेडर्स हु आर मोस्टली हिंदूज, दे सेड वी इंपोर्ट ओनली काउ बीफ फ्रॉम इंडिया, दे डोंट एक्सेप्ट बफेलो बीफ, क्योंकि बफेलो बीफ का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है. लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट. ट्रेड होता है बट दे नो दैट दे आर इम्पोर्टिंग काउ बीफ ऑल्सो. सो मेरे अंदर बहुत उत्सुकता जागी है आपके इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, पर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाया क्यों? क्या आपने ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाया कि लोग ये आपकी डॉक्यूमेंट्री देखें और वीगन बने, या आपने ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाया कि लोगों तक सच्चाई जाए और लोग जाने कि भारतवर्ष में हकीकत क्या है? सो माई इंटेंशन वॉज द सेकेंड थिंग, विच इज
प्रेजेंटिंग फैक्ट्स टू द पीपल, जब लोगों तक सच्चाई पहुंच जाएगा, पीपल विल टेक इन्फॉर्म डिसीजंस कि अभी मैं इस इंफॉर्मेशन से मैं आगे क्या करूं। अच्छा लगा कि आपका दिल बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि ये सारे पहलू जो हैं ये सारे ही क्रूर हैं, पर ऐसा कुछ देखा आपने जो आपके दिल को झंझोड़ दिया हो, जो आपको दिनों तक याद रहा? तो ये वही है जहाँ पे मुझे लाइक वार्निंग जैसा मिला, एंड वी हैव टू लीव इमीडिएटली, जहाँ पे भैंसों को गाड़ी पे टोक रहा है, जो ठूस रहे थे, ठूस रहे, वो क्यों इतना बुरा लगा? बिकॉज दे आर सेंडिंग फॉर स्लॉटर एंड दे आर लुक वेरी हेल्दी एंड वेरी लाइवली, अभी कुछ घंटों में उसको मांस बनने वाला है। सो लाइक मेरे आंखों से आंसू आ गया, लाइक आई कुडंट फेस इट, दैट इज़ द मोस्ट हॉरिबल थिंग। सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज हर किसी का अंडरस्टैंडिंग अलग है क्रूरता मतलब क्या है। कुछ लोग को माँ और बछड़े को अलग करना वो भी क्रूरता लगता है, कुछ लोग को सिर्फ मारने को क्रूरता लगता है, अगर कुछ लोग इफ़ समवन इज़ बीटिंग द काउ दैट इज़ क्रुएल्टी। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन व्हाट इज़ क्रुएल्टी। सो इन माई केस फॉर मी एवरीथिंग इज़ क्रुएल व्हेन द एनिमल इज़ इमोशनली और फिजिकली हर्ट। सो लाइक व्हेन अ काफ इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, व्हेन शी क्राइज फॉर हर बेबी, दैट इज़ क्रुएल्टी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, cruelty is everywhere, I have observed everywhere.